सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। तो आज का जो मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगा वो आपको ये पीछे दिख रहा है, ये है गलगोटिया कॉलेज। तो इस कैंपस का पूरा कैंपस टूर कराऊंगा और कोई अगर मुझे बच्चा मिलता है तो उससे भी रिव्यू वगैरह ले लूँगा। बट मुझे नहीं लगता क्योंकि मिलेगा, क्योंकि मैं कल भी आया था तो इनका एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, तो मे भी ना मिले मुझे। तो इसीलिए अगर मिल जाता तो मैं बात करा दूंगा कि कैंपस कैसे वगैरह वगैरह। बाकी तो तुम्हारा भाई आई पूरा कैंपस टूर करवा देगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और वीडियो चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो जाना @_hemant। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले सब्सक्राइब यार जरूर कर देना, ठीक है, चलो। तो भाई ये कैंपस है, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। बहुत ही सुंदर बना रखा है ये जो कॉलेज है, तो वो मिलेगा कैंटीना पहले, कैंटीना। चलो भाई वहीं चलते हैं। ये है आपका गलगोटिया कॉलेज, ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से कितना दूर है भाई निशान भाई? आधा घंटा। हाँ तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है यूनिवर्सिटी। और भाई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंस क्या बता भाई? जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट का, एकेडमिक यूज़ से एफिलिएटेड है, और यूनिवर्सिटी प्राइवेट है अपना। तो यही फर्क है, एडमिशन के टाइम पे भी यही थोड़ा हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को गेट एडमिशन वालों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो गेट एडमिशन वाले, दे विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया टॉप मोस्ट कॉलेजेस, ठीक है। और अगर आपको दिल्ली NCR के भी टॉप मोस्ट किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी आपको स्क्रीन में भी शो हो ही रही होगी, ठीक है। तो आप इनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो चलो वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कौन सा? ये वाला। अच्छा, जो सामने दिख रहा है। दो अंतर है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में है बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ गलगोटिया कॉलेज में। अच्छा, अगर कोई बॉयज यहाँ का है तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। ओ भाई, बाकी वाला कैंपस में मुझे बड़ा ही लग रहा है, मैंने सोचा था कि ये छोटा है। नहीं नहीं बड़ा है, ये अंदर से बहुत सुंदर कैंपस यार, ये बहुत अच्छा बना रखा है गलगोटिया का। अच्छा, इस ग्राउंड में? अच्छा अच्छा, तो भाई इनके फंक्शन वगैरह पानी वानी बंद कर रखा है, पानी वानी चालू कर रखा है। वो तो चलो, वो तो जब आप लोगों के एडमिशन वगैरह हो रहे होंगे तब तो कर देते हैं, अभी तो फिलहाल एग्जाम वगैरह चल रहे होंगे मेरे ख्याल से। एग्जाम टाइमिंग है तो ज़्यादा इतना कुछ कर नहीं रखा, बाकी यार बहुत ही सुंदर बना रखा है। जब कोई फेस्ट वगैरह इवेंट्स वगैरह होते हैं ना भाई कॉलेज में, तब एकदम बढ़िया सजा रखा होता है। अच्छा, ये सामने कैंटीन है। हाँ भाई, कैंटीन मिल जाएगी आपको ये सामने, तो देखते हैं कैंटीन कैसी है। और क्लासरूम्स वगैरह खुली होगी अभी? खुली होगी, तो देखते यार अगर क्लासरूम्स वगैरह मिलती है तो क्लासरूम वगैरह भी दिखा दूँगा आपको, बाकी अभी कैंटीन दिखाता हूँ आपको। और ये रहा गर्ल्स हॉस्टल दिख रहा है, तो यही है अगर आप यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हो और आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है आप इससे बढ़िया। हाँ, लड़कियों के लिए तो भाई भी अपने फ्लैट्स या पीजी वगैरह कर सकते हो। यूनिवर्सिटी से अच्छा यहाँ हो गए हॉस्टल वगैरह हो गए, अगर जेल वगैरह चलेंगे तो हॉस्टल भी दिखा देंगे। बाकी गलगोटिया के रास्ते में तेरे फ्लैट भी आ जाएंगे, निम्बस आ जाएगा, सुपर टैग आ जाएगा, यहाँ लोग रह सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भाई कैंटीन भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है एक ही कैंटीन बना रखा है, चार पाँच कैंटीन है। और कितने सारे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब बहुत आगे मेस है जो दिख रही है राइट से। मेस? अच्छा, जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं तो भाई मेस भी है उधर इसके। तो भाई ये अगर एडमिशन होता है यहाँ पे तो यहाँ आ जाना, बहुत जनरल पराठे बनाते हैं भाई, कह रहा है ऐसा, ठीक है। और ये तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है वैसे, क्योंकि कुछ टाइम बाद एडमिशन वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। और क्लासरूम सर को मुझे खुली नहीं दिख रही, ये खुली है ना भाई? फैकल्टी रूम्स है, यहाँ देख ही सकते काम वगैरह चल रहा है भाई। ये यहाँ की क्लासेस हो गई, सीट्स वगैरह, हाँ भाई मस्त बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो प्रोजेक्टर वगैरह भी लगा रखे हैं, और क्लास तो बढ़िया है यहाँ की। एसी नहीं यार, हाँ, और यहाँ पे देखो ये ना अभी एसी नहीं लगा रखे, यहाँ पे बस यही दिक्कत है, बाकी तो चलो ठीक है। ये नया नया पेंट हुआ अभी सारा, और प्रोजेक्टर वगैरह सब लगाए रखे हैं, बढ़िया है। यूनिवर्सिटी में तो एसी होंगे, वहाँ ये एसी होंगे। और यहाँ सारी ऊपर क्लासरूम्स ये सारी सेम ही है, ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा, मैंने एक क्लासरूम वगैरह वहाँ की दिखा दी, और देख ले तो अगर कुछ मुझे दिखता है तो आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ का स्पेस मस्त बना रखा है यार यहाँ पे। और भाई ये वाली देख सकते हो, सोलर वाली गाड़ी बनाए रखी है, बहुत पुरानी है ये, है? क्या पेंटिंग है ना ये? पेंटिंग है ना, हाँ। अच्छा, स्टिकर लगा रखा है ये सोलर वाली है भाई, देख रहे हो, चला ले, इस बेचारे को चलाने को चाहिए। आजा आजा आजा, नहीं मिलेगी तेरे को बटे, लेकिन बहुत ही सुंदर सा लगता है जो भी कहो भाई, कॉलेज मुझे बढ़िया लगा। तो भाई देख सकते हो ऑडिटोरियम बहुत ही बढ़िया बना रहा है, ठीक है भाई। अभी तो भाई जब यहाँ आते हैं ना पेरेंट्स, तो पूरे लाइटिंग कर देंगे। अच्छा, एडमिशन के टाइम पे जब बताते हैं बैंड के बना रखा तो ये
अच्छा पेरेंट्स वगैरह का अलग है और स्टूडेंट्स के लिए अलग है। हाँ, यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं आया था। तो भाई बढ़िया है, चलते हैं अब और देखते हैं इस कॉलेज में क्या क्या छोड़ना ऊपर क्या दिखाया है भाई। तो यार ये इनका ए ब्लॉक है एडमिन का और यहाँ देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ब्लॉक बना रखे हैं। और आपका ब्लॉक बी, ये आपका ब्लॉक सी और यहाँ का बाथरूम देखने लायक। ये वाला ब्लॉक है बाथरूम ऐसा क्या है? बहुत गवर्नमेंट एफिलिएटेड है तो वो तो आपको पता है भाई, थोड़ा एग्जाम पास करके आना पड़ेगा, गवर्नमेंट होता है तो थोड़ा करना पड़ता है भाई। यहाँ पे बहुत सुंदर बना रखा है यार, अभी ऊपर चलते हैं दिखाता हूँ आपको ऊपर भी कैसा है। ठीक है, और ये पार्किंग है ना भाई, भाई जो भी कह लो यहाँ का गार्डन बहुत सुंदर बना रखा है भाई, जहाँ देखो पूरी हरियाली हरियाली दिखी आपको भाई। ये देखो किस कॉलेज में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, आपको पावर बैंक ये सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे भाई। गलगोटिया भाई, गलगोटिया में सब चीज़ें अवेलेबल है और स्ट्रक्चर देख लो पूरा पुराने टाइप का बना रखा है। चलो भाई चलो और आगे देखते हैं, ये सामने ब्लॉक डी है, चलते भी। तो भाई ये देखो, ये जो बच्चे बनाते हैं ना, तो ये बच्चों ने बनाई है। अच्छा रेस करवाते बच्चे? अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ पे स्पेस ज़्यादा ना, देखिए कैसी है भाई। देख रहे बच्चों ने क्या क्या बना रखा है, इन्वेंट कर रखा है। अरे रमोले तू का बना रही है भाई, अपने अलग ही पहचान है अपनी भाई, ये काम ये मजदूर वाले काम नहीं करने हमें। ओ भाई ये वन क्या है? नोएडा में गलगोटिया भी टॉप वन चलता है। अच्छा तो भाई ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, कॉलेज कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी वन पे चल रहा है कॉलेज, एक ही बात है दोनों। अच्छा तो भाई ये वन पे चल रहा है। किसका फंक्शन है? वैलेंटाइन डे यहाँ पे इस ग्राउंड में। तो भाई यहाँ पे वैलेंटाइन्स के प्रोग्राम होते हैं, पूरा गुबाड़ गुबाड़ लगाता है। ओ भाई देख ही सकते हो भाई, मस्त कॉलेज है, अगर ऐसी लाइफ चाहिए भाई आ जाओ गलगोटिया में। भाई यहाँ के डस्टबिन देख लो, डस्टबिन तो कितने क्या ही बताओ भाई, अमीरों का कॉलेज है भाई, एडमिशन ऑफिस ये रहा भाई, आ जाना। तो भाई ये है इनका ऑडिटोरियम, भाई साहब क्या बना रखा है भाई, बहुत ही बढ़िया। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी भाई, आइडिया राइट इन वैसे आप देख सकते हो, 3 4 5 लेना ही चाहिए हमारा गलगोटिया बहुत बेस्ट गलगोटिया है। और भाई ये इनका बाहर का ग्राउंड, ठीक है गेम्स वगैरह के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, और वहाँ पे देख सकते हो बास्केटबॉल का कोर्ट भी है। ठीक है मैं उसे जान नहीं रहा है, ये पीछे जाना पड़ेगा बहुत लंबा पड़ेगा। और यहाँ पे इनका ये फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए और क्रिकेट वगैरह भी खेलना तो वो सब भी खेल सकते हो। बाकी तो यार शानदार ये कॉलेज भी लगता बड़ा है भाई, मुझे पहले लगता था ये कॉलेज छोटा है बट अच्छा कॉलेज है। और भाई ये रहा डी ब्लॉक में इनका ऑफिस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के लिए आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। भाई गेट देख रहे हो कितना पुराने ज़माने जैसा है। तो भाई अंदर भी देख लो भाई, कितना सेक्सी बना रखा भाई कॉलेज है, तो एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कितना सेक्सी होगा, मैं तो सोचा ही नहीं था। क्योंकि भाई मैंने गलगोटी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था कि भाई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है बना रही, क्योंकि मेरा दोस्त पढ़ता है वहाँ। और भाई अरे भाई वो देखो मधुमक्खी का छत्ता, वो देखो हाँ भाई मस्त बना रखा अंदर से ऐसा, पूरा पीएसपी वगैरह का सिस्टम दे रखा है। तो भाई ये सिस्टम बंद है भाई, तो अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए आप अगर स्पोर्ट्स अगर स्पोर्ट्स लाइक इंडोर स्पोर्ट्स अगर चाहिए पीएस वगैरह तो आपको यहाँ मिल जाएगी। और पार्टीज वगैरह के लिए पूरा बना रखा है, हाँ लाइक बर्थडे वगैरह पार्टी है, साइकिलिंग वगैरह भी, बाइक वगैरह भी पड़े भाई। भाई तुझे यहाँ जॉब मिल गई है गलगोटिया के बाहर? भाई कलगोटिया कॉलेज घूमने आते हैं तो यही बेचना शुरू हो गया। तो यार पूरा व्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने गलगोटिया कॉलेज का भी आपको दिखाया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे वैसे कहते हैं कि भाई गलगोटिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है, तो पहले ये समझ लो कि भाई जो कॉलेज है वो इनका अलग है और यूनिवर्सिटी अलग है। यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन इजीली हो जाता है बट आपके कॉलेज में इजीली एडमिशन नहीं होता। तो आज अभी मैं बात करूँ गलगोटिया कॉलेज के बारे में, जो मैंने अभी पूरी आपको वीडियो दिखाई, पूरा ब्लॉग दिखाया कॉलेज का, ठीक है। बट मैं बच्चों से कुछ इंटरेक्शन नहीं कर पाया बिकॉज बच्चों के पास एग्जाम्स चल रहे थे, तो डैट्स वाई। तो मैंने जैसे कि वह कॉलेज मैंने दिखाई दिया, तो रात के टाइम ये ऐसा सा खूबसूरत सा कॉलेज आपको दिखता है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सा कॉलेज है ये। तो अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूट नेम गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ था भाई आपका 2000 में। इंस्टीट्यूट टाइप भी आपका प्राइवेट हो जाता है, एफिलेटेड विद एकेटीयू से एफिलेटेड है। आपका जो यूनिवर्सिटी है अप्रूव्ड बाय AICT
एंड हॉस्टल फैसिलिटी, हाँ भाई आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाते हैं। अगर आपको हॉस्टल्स नहीं भी चाहिए तो आप बाहर अपने फ्लैट्स पीजी वगैरह भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और बाकी इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई, अगर आपको देखने तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PPT डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और गलगोटिया की वेबसाइट पर जाके भी आप चेक कर सकते हो इसके बारे में बाकी डिटेल्स अगर आपको ज़्यादा जाननी है तो, ठीक है। और अब यहाँ की कुछ बात कर ले तो पॉपुलर कोर्स के बारे में, तो भाई पॉपुलर कोर्स आप देख सकते हो BTech, MBA और MCA है। और इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी 10+2 में आपकी 50+ PCM में होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आपने देखी ली होगी MBA और MCA की, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फीस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फीस है 4,62,412 के अराउंड समथिंग रहने वाली है, और वो भाई हर साल थोड़ी बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये एक मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया, ठीक है। अब और क्या बात कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हो जो इंस्टीट्यूट है ऑल्सो एक्सेप्ट एडमिशन थ्रू इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड गलगोटिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे GEE का इनका खुद का एग्जाम होता है, तो आप ये एग्जाम दे के भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ओके। अब अगली हम बात कर लेते हैं तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर CSE हैज बीन डिसेंट एज मेनी रिक्रूटर्स विजिट द कैंपस एवरी ईयर। तो भाई इन्होंने बताया कि जो इनका प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है वो बहुत डिसेंट है, बट अगर मैं इनके वेबसाइट में चेक करूँ या आप भी देख सकते हो तो मुझे प्लेसमेंट्स का कोई ऐसा रिकॉर्ड अच्छा सा नहीं मिला। बाकी बच्चों ने अपने रिव्यूज ओपिनियंस डाल रखे हैं कि इनका जो मिनिमम पैकेज है वो इन्होंने 3-4 लाख के अराउंड डाल रखा है, एंड हाईएस्ट अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने अराउंड 30 लाख डाला था, और एवरेज की बात करूँ तो वही 5-6 लाख के अराउंड इन्होंने अपना डाल रखा है पैकेज का, ठीक है। अब अगले हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे सीट्स किस में कितनी कितनी अवेलेबल हो जाती है बीटेक में। तो बीटेक में आपको सिविल इंजीनियरिंग में आपको दिख रही होगी 120 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी 120, IT में आपकी 120 है, EEE में आपकी 120 है, EC में आपकी 180 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 60 सीट्स मिल जाती है, फिर आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में आपको 60 मिल जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको 180 सीट्स मिल जाती है। और यही इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी इस चीज को देख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ कि हॉस्टल्स की, तो यहाँ पे इनका जो हॉस्टल होता है 1 सीटर अगर आप लेते हो तो अगर AC रूम लेते हो तो आपको 15,000 पर महीने का रहने वाला है, 1 सीटर नॉन AC लोगे तो 10,000, 2 सीटर नॉन AC तो 9,000 पर महीने रहने वाला है। और गर्ल्स के भी यहाँ पे कुछ मैंने डिटेल्स यहाँ डाल रखी है, आप देख सकते हो। और अगर आपको मेस भी चाहिए तो मेस के चार्ज यहाँ पे मेंशनड है, तो आपको यहाँ पे मेस की भी मैंने डिटेल्स बता रखी है कि मेस आपको यहाँ पे 2,400 पर मंथ के देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही सारी कुछ चीजें रही गलगोटिया कॉलेज के बारे में। तो और अगर यूनिवर्सिटी की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी की वीडियो डाल रखी है, ठीक है। और कोई भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID है 85_Hemant। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे चैनल पे आपको और भी बाकी कॉलेजेस की वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। तब तक बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।